नमस्कार साथियों, देखिए आज हम पढ़ेंगे एल्केन, ठीक है। और कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13वां चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। और इसके पहले की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सारे लेसन की वीडियो बना के डाली गई है चैनल पर, अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। और हाँ, निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, नहीं तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एल्केन। अब देखिए, हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं, हाइड्रोकार्बन का परिचय पढ़े हैं, और जो बचा खुचा था वो आईपीएससी में पढ़े हैं, तो आशा करते हैं आपको सब अच्छे से जानकारी होगी। लेकिन पढ़ेंगे वो अब जो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, मतलब कि जो जानकारी आपको जरूरी है जानना, ठीक है, तो उनको हम डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखिए एल्केन। जो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एल्केन को कैसे कैसे दिखाते हैं, कितने तरह से दिखाते हैं, क्या पहचान होती है, इनकी बात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, अगर एल्केन है, एल्केन, तो एल्केन की सबसे पहली पहचान होती है कि आर एच। अगर आर एच से लिख दिया गया तो आप इसको क्या पहचानेंगे, आर एच क्या है, तो ये एल्केन है, कुछ नहीं, एल्केन है, ठीक है। अब देखिए, अगर कहीं आर आर लिख दिया गया तो ये क्या है, ये क्या है, आर आर क्या है, आर सिंगल बॉन्ड आर क्या है, ये भी एल्केन है। एल्केन को इस तरह भी दिखाया जाता है, याद रखिएगा। अगर सबसे घटिया तरीका है एल्केन को दिखाने का, तो कार्बन है, कार्बन के चारों ओर एक एक बंद लगा दीजिए, ठीक है, कार्बन के चारों ओर एक एक बंद लगा दीजिए, ये एल्केन हो गया। कार्बन, दो कार्बन है, दोनों कार्बन के आगे पीछे एक एक बंद लगा दीजिए, ये एल्केन हो गया, ठीक है, ये भी एल्केन है। कहीं इस तरह से अगर आपको मिल गया बना हुआ, ये भी एल्केन है। कहीं इस तरह से बना हुआ मिल गया, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, ये भी एल्केन है, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मालूम करिए, ठीक है। अब कैसे है, देखिए कैसे आर और एच एल्केन है। देखिए, आर को याद रखिएगा, आर का फार्मूला होता है CnH2n+1, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये मेथेन है, ये कार्बन था, कार्बन के चारों ओर एक एक बंद था, और ये कार्बन के चारों ओर एक एक बंद था, तो हाइड्रोजन जुड़ा था उधर, ठीक है। ये हो गया मेथेन, क्या हो गया, एक कार्बन है, मेथ हो जाएगा, एक एक बंद है चारों ओर, तो एन अंत में लगा देंगे, हो जाएगा मेथेन, और मेथेन में से ये हाइड्रोजन गायब कर दीजिए, ठीक है। अब जो बचा ना, अब जो बचा वही क्या है, आर होता है। मतलब ये क्या हो गया, इनको हटा दीजिए, सीधे हटा दीजिए, अब ये क्या है, आर है, एक कार्बन है तो तीन हाइड्रोजन है। इस फार्मूले को मैच कराइए, यहाँ पर एक है, एक है, एक, एक दुना के दुई और एक तीन, याद रखिए। CH3 क्या है, CH3 क्या है, यह आर है, इसी को आर कहते हैं। और जब मेथेन में से हाइड्रोजन गायब हुआ तब इसे मेथिल कहेंगे, क्या कहेंगे, मेथिल। अगर यहाँ दो रख दें, दो, दो, दो दुना चार और एक पाँच, तब पाँच हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तब इसको कहेंगे एथिल। ऐसा क्यों, अगर यहाँ पे तीन रख दें, तीन, तीन दुनी के छः, एक सात, तब इसे क्या कहेंगे, तीन कार्बन है, प्रोपिल कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोपिल। क्यों, क्योंकि ये भी, ये भी, ये भी सबको इकट्ठे कहते हैं एल्किल बिरादरी, एल्किल, एल्काइल ग्रुप इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये है, ये है, ये है, ठीक है, इन सभी को हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं सबको। और एल्किल के अंदर एक कार्बन वाला आएगा तो मेथिल बोलेंगे, एल्किल के अंदर अगर दो कार्बन वाला है तब एथिल बोलेंगे, तीन कार्बन वाला है तो प्रोपिल बोलेंगे। लेकिन एल्किल को हम आर से दिखाते हैं। अगर मान लीजिए आर का मतलब अगर यहाँ रख लिए हम CH3, इसको समझते हैं, क्या रख लिए, CH3, और इधर भी रख लिए CH3, और दोनों को अगर जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड से, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तब ये एल्केन नहीं है, है, आपको जानकारी नहीं है, आप समझिए, ठीक है, एल्केन है ये। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए आर का मतलब समझ लिए CH3 यहाँ पर, आर का मतलब समझ लिए CH3, और वहीं पे एच जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड, तो ये एल्केन नहीं हो गया, हो गया, हो गया एल्केन। तो ये एल्केन को दिखाने का एक तरीका है, सिंबल है, यानी कि आप समझिए कि एल्केन को इन तरह के तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एल्केन को इस तरह भी दिखा सकते हैं, CnH2n+1, फिर सिंगल बॉन्ड CnH2n+1, इस तरह भी दिखा सकते हैं, ये भी एल्केन को दिखाने का एक फार्मूला है। एक और चीज़ है, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड H, ये भी एल्केन है। सब एल्केन के अलग अलग सिंबल हैं, क्योंकि दोस्तों अब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल में जा रहे हैं, तो आपको हर तरीके से किसी भी कंपाउंड की पहचान करने आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एल्केन की दूसरी पहचान क्या है। जैसे मान लीजिए कहीं आपको लिख दिया गया C4H10, ये एल्केन है कि नहीं है, ये एल्केन है कि नहीं, इसके लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, मतलब दुगुना से दुई ज़्यादा, जितना नंबर रहेगा, यह मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या, कार्बन की जितनी संख्या रहेगी उसके दुई गुना से दुई अगर ज़्यादा हाइड्रोजन है तब वो एल्केन ही होगा। यहाँ देखिए, एन का मान कितना है, चार है,
कई कार्बन, चार कार्बन, चार दुना के आठ, दुई दस, इसका मतलब ये एल्केन है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि यह जिस फार्मूले पे है वह एल्केन का फार्मूला होता है। चार दुना के आठ, दुई ज़्यादा, मतलब दुई दस हाइड्रोजन, तो दस हाइड्रोजन किसका है, मतलब दुई ज़्यादा किस में आता है, एल्केन में आता है, तो ये एल्केन हो गया। चार कार्बन का एल्केन है तो चार कार्बन को कहते हैं ब्यूट, अंत में लगाएंगे एन, हो जाएगा ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटेन। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए सी दस, दस दुना के बीस, दुई बाईस, तो ई एल्केन है कि नहीं, तो आप जान जाएंगे एल्केन है। कै कार्बन का? दस कार्बन का। दस कार्बन का है तो डेक और एन बराबर डेकेन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर आपसे कहा जाए सी फोर एच एट, ये एल्केन है कि नहीं है, तो चार दुना के आठ, दुई दस होता है, ये दुगुना है, दुगुना से दुई ज़्यादा होना चाहिए, नहीं है ज़्यादा, ज़्यादा नहीं सीधा दुगुना, तो ई एल्केन है, नहीं है, याद रखिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस फार्मूले पे है ना वो सी एन एच टू एन है, और ये होता है एल्किन का फार्मूला। क्या होता है? एल्किन का फार्मूला होता है, याद रखिए। सी फाइव और एच आठ, ये एल्केन है, ये एल्केन है, एल्केन है ये, तो पाँच दुना के दस, दुई ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन दुई कम में है, तो दुई कम किसका फार्मूला होता है? एल्काइन का होता है। एल्काइन का फार्मूला होता है सी एन एच टू एन माइनस टू, तो ये क्या है? एल्केन नहीं है, एल्केन नहीं है, क्या ये एल्काइन है। क्यों? क्योंकि ये एल्काइन के फार्मूले पे मैच हो रहा है। तो पांच कार्बन के एल्काइन का क्या नाम हो जाएगा? पेंट और आइन बराबर पेंटाइन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। आइए एल्केन की तरफ चलते हैं। अब देखिए एल्केन की सजातीय श्रेणी हम लोग पढ़े थे। सजातीय श्रेणी क्या होती है? जब सभी एल्केनों को कार्बन परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में रखते जाएंगे तो जो सीरीज मिलेगी, जो श्रेणी मिलेगी, उसे कहते हैं क्या? एल्केनों को सजातीय श्रेणी। तो सबसे पहला सदस्य कौन होगा, कितने कार्बन का होगा? तो एक कार्बन का होगा। तो एल्केनों की सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन हो गया? हम लोग अभी बात किए थे ना, प्रथम सदस्य कौन हो जाएगा? प्रथम सदस्य हो जाएगा मेथेन, मतलब CH4 क्या हो जाएगा? मेथेन। अब चलिए मेथेन के बारे में कुछ स्पेशल बात कर लेते हैं, ठीक है। एल्केनों को दिखाने का तरीका या प्रदर्शित करने का तरीका ये हो गया, इनका सामान्य सूत्र क्या हो गया? तो ये हो गया सामान्य सूत्र, ये भी हो गया सामान्य सूत्र, ये इनका सिंबल हो गया सामान्य सिंबल हो गया, ठीक है। और एल्केन की सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन हो गया? मेथेन हो गया। तो चलिए मेथेन से कुछ बातें आपसे पूछी जाती हैं, उनको थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। दोस्तों हम लोग एल्केन के बारे में सारी बातें कर रहे हैं और कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। उसके अंदर दोस्तों एल्केन शुरू है और एल्केन के अंदर हम लोग मेथेन को मुख्य टॉपिक बनाए हुए हैं और मेथेन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद हम लोग एल्केन को बनाने की विधियां पढ़ेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ेंगे, फिर उपयोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं मेथेन के बारे में। देखिए अगर मेथेन की बात करें या पूरे एल्केन की बात करें, देखिए टॉपिक चल रही है एल्केन की बात करें तो एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। और देखिए अगर सामान्य प्रतीक की बात करें, मतलब क्या सिंबल होता है एल्केन को दिखाने का, तो देखिए हम RH से दिखा सकते हैं या R सिंगल बॉन्ड R से दिखा सकते हैं, या CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड H से दिखा सकते हैं, या फिर हम दिखा सकते हैं CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CnH2n+1, ठीक है। देखिए अगर एल्केन की सजातीय श्रेणी की बात करें तो एल्केन की सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य होता है मेथेन CH4, ठीक है। अगर बात करते हैं मेथेन की संरचना कैसी होती है, मेथेन अणु की संरचना कैसी होती है, तो देखिए इसकी संरचना होती है चतुष्फलकी, ठीक है। देखिए इसकी संरचना आप देख पा रहे होंगे चतुष्फलकी होती है और इसके चारों संयोजकताओं से हाइड्रोजन जुड़ा होता है और इनके किन्हीं दो बंध के बीच में जो कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया बंध कोण। अगर बात करें कि मेथेन की संरचना कैसी होती है तो इसका स्पेशल नाम है, स्टैंडर्ड नाम है, जिसको कहते हैं हम लोग टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर या चतुष्फलकी संरचना। अगर बात करते हैं कि इस संरचना के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, तो ली बेल वांट हाफ नाम के वैज्ञानिक ने बताया था दोस्तों। और इस ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, चतुष्फलकी संरचना। अगर इस संरचना को हमको आणविक रूप में बनाना है या आणविक कक्षक संरचना बनाना है, तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कार्बन बनाएंगे, यहाँ पे एक कक्षक बनाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन का कक्षक बना देंगे, फिर यहाँ पर एक कक्षक बनाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का कक्षक बना देंगे और एक कक्षक यहाँ बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन का बन जाएगा और यहाँ पर एक कक्षक बनाएंगे किसका, हाइड्रोजन का ही, तो यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा दोस्तों वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, याद रखिएगा। ऐसी संरचना को भी हम लोग क्या कहते हैं, चतुष्फलकी संरचना कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह भी संरचना बनी हुई है। अगर दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध होता है ना, इसकी लंबाई या दूरी कितनी होती है,
या इस बंद की लंबाई कितनी होती है या इस बंद की आबंध लंबाई कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ मेथेन में सी एच बंद की लंबाई कितनी होती है, इसको याद रखिएगा 112 पिकोमीटर के आसपास होती है, ठीक है, लगभग 112 पिकोमीटर होती है, याद रखिएगा, ये बात बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। अगर बात करते हैं मेथेन में बंद कोण कितने का बनता है, तो 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है, ये याद रखिएगा। अब मेथेन में संकरण कौन सा होता है, तो देखिए हम संकरण पता करने के लिए हमको ये पता करना होता है कि केंद्र में कौन सा परमाणु है। देखिए केंद्र में कौन सा परमाणु, केंद्र मतलब बीच में कार्बन है, कार्बन के अगल बगल कुल कितने बंध है, 1 2 3 4 चार बंध है, इन बंधों को क्या कहते हैं, सिग्मा बंध की पाई बंध। देखिए जहाँ पर एक बंध होता है वो सिग्मा होता है, जहाँ पे दो बंध होते हैं उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, जहाँ पे तीन बंध होते हैं ना वहाँ एक सिग्मा दो पाई होते हैं, मतलब सी से सिंगल सी से सिग्मा, कितना भी बंध रहने दीजिए उसमें एक ही सिग्मा होगा, बाकी जितने बचेंगे वो सब पाई होंगे। तो यहाँ पर चार बार एक एक बंध है तो चारों सिग्मा बंध होंगे। देखिए एल्के मेथेन में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, तो चार है, लिख लीजिए अभी से चार है, ठीक है, चार सिग्मा बंध, ये भी सिग्मा बंध है, ऐसे दिखाते हैं सिग्मा बंध को, ऐसे ये भी सिग्मा बंध, ये भी सिग्मा बंध, ये भी सिग्मा बंध है, सभी चार सिग्मा बंध है, ठीक है। अब देखिए मेथेन में संकरण, तो संकरण के लिए हम लोग सिग्मा बंध देख रहे थे, सिग्मा बंध चार हो गए, चार सिग्मा बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक सिग्मा बंध में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो चार सिग्मा बंध में दो दो इलेक्ट्रॉन मतलब आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रखाता है, तो चार दुना के आठ इलेक्ट्रॉन कितने कक्षक में रखाएंगे, चार कक्षक में, तो चार कक्षक में एक यस का आ जाएगा, तीन पी के आ जाएंगे, मतलब sp3 संकरण हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको संकरण पे कई वीडियो बनाया हूँ और अलग अलग तरीके से कैसे संकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पे अलग अलग तरह का मैटर भी समझाया हूँ, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा एक साथ, ठीक है, जो भी वीडियो आपको मन पसंद आए वो आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन भी हो तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। और दोस्तों हाँ ये भी बात है कि अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेथेन की उपलब्धता मतलब कहाँ पाई जाती है मेथेन, तो धान के खेतों में ज़्यादा पाई जाती है, या फिर दलदली जगहों पर भी पाई जाती है, ठीक है, या फिर प्राकृतिक गैस में भी पाई जाती है, मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होती है कौन, मेथेन गैस होती है, ठीक है, उसमें 90% तक लगभग पाया जाता है नेचुरल गैस में, ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जाए अगर क्वेश्चन कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मेथेन है, ठीक है। मेथेन का दूसरा नाम क्या होता है, मार्स गैस। मेथेन को मार्स गैस सूचक के रूप में कोयले की खानों में भी प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, मार्स गैस सूचक के रूप में, ठीक है। अब देखिए एल्केनों का प्रमुख स्रोत, एल्केन कहाँ पाई जाती है, एल्केने कहाँ पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम में पाई जाती है। अब पेट्रोलियम क्या होता है, देखिए पेट्रोलियम मतलब होता है पेट्रा मतलब होता है चट्टानी या रॉक्स, पेट्रा मीन्स होता है रॉक्स और ओलियम मीन्स होता है आयल मतलब तेल, चट्टानी तेल को क्या कहते हैं हम लोग, पेट्रोलियम। जैसे देखिए जब करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी का उथल पुथल हुआ था, भौगोलिक उथल पुथल हुआ था, तो उसमें सारे पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए, और उनके दबने के बाद जो रस निकला, जूस निकला उनके दबने से, वह जूस कई वर्षों तक उसी में रह गया, वही सड़ा गला जूस उनका आज पेट्रोलियम बन गया, और उसी पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं, चट्टानी तेल, और उसी पेट्रोलियम में मुख्य रूप से कौन पाया जाता है, एल्केन पाया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एल्केन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, या फिर पेट्रोलियम क्या होता है, तो पेट्रोलियम भी हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जो करोड़ों वर्ष पहले हुए भौगोलिक उथल पुथल के कारण जीव जंतुओं को उसमें दबने के बाद से निर्मित हुआ है, बना है, ठीक है। चलिए मेथेन में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, तो चार है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एल्केन बनाने की प्रमुख विधियाँ पढ़ेंगे, एल्केनों के भौतिक गुण पढ़ेंगे और एल्केनों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, उसके बाद उनका उपयोग पढ़ेंगे और उनमें संरूपण कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, आशा करते हैं कि आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिएगा, मतलब कि अपने मित्रों में इनको शेयर भी जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते फिर दोस्तों इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।